हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फॉल गाइस वीडियो। तो गाइस आज हम लोग करने जा रहे हैं डुओ गेम प्ले। तो दो की टीम होने वाली है गाइस। क्या हम लोग इस तगड़े कंपटीशन में जीत सकते हैं क्या गाइस, देखते हैं। हम दोनों पे निर्भर है पूरा। तो पहले से उन्हें रीड कर लिया, सेकंड में आ रहा है और ये सब भी जा रहे थे, तो मैं तो जल्दी आ चुका हूँ। बस जल्दी जल्दी रीड करते हैं गाइस और जल्दी से क्वालिफाई करते हैं। ये वाला नहीं है, ये लोग फालतू अंदर जा रहे हैं। ये वाला है गाइस। अच्छा, मैंने खुद रीड किया, उनको फॉलो नहीं किया। और इधर वाले गेट पे देखते हैं यार, ये गेट तो मुझे समझ आता नहीं, लगता है फॉलो ही करना पड़ेगा भाई। यहाँ ओपनिंग कहाँ है गेट की, मुझे यही समझ नहीं आ रहा भाई। ये लो, ये सब कहाँ जा रहे हैं, इनको ही देख लूँ क्या भाई। ये कहाँ है भाई गेट की ओपनिंग, यहाँ से घूम के कहाँ जा रहा है ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा गाइस। ये सब कहाँ जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं क्या? ठीक है, मैं भी चल जाता हूँ भाई। ये सही है क्या? ये पहले तो नहीं आया था ना रोड वाला, यार मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं आया था शायद से। अभी मैं खुद रीड करता हूँ गाइस, यहाँ से घूम के। अच्छा, ये इधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे गलत आ गया यार, मैं इनको फॉलो करना गलत निकल गया गाइस, तो मुझे अब फिर से ढूंढना पड़ेगा यार। नहीं करना था फॉलो यार, ये वाला था क्या यार? मैं और पीछे आ गया भाई, मैं बाहर हो जाऊँगा लग रहा है। एक तो यार सबके सब थर्ड पे हैं क्या, कोई क्वालिफाई नहीं किया? सबके सब फोर्थ पे, लगता है सिर्फ एक ही बंदा क्वालिफाई किया है। जल्दी जाना पड़ेगा गाइस, फिर गेट पे आ चुका हूँ मैं। अब मैं खुद से रीड कर लेता हूँ। वैसे पिछली बार हम लोग किसी उस साइड से गए थे ना, लेकिन इसकी ओपनिंग देख लेते हैं गाइस हम लोग। तो ये यहाँ से घूम के, अच्छा इसमें जा रहा है क्या? ओके गाइस, ये सही है भाई, खुद से रीड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है एक ही बंदा क्वालिफाई किया है और वो अकेले ही जीत जाएगा अगर कोई आया नहीं उसके कॉम्पिटिशन में। तो इसलिए एक को जाना तो बहुत ज़रूरी है गाइस। तो यहाँ पर घूम के, ये यहाँ पे अंदर नहीं जा रहा, यहाँ से घूम के ये है यार, यही निकले यार, हर बार गलत जा रहा है भाई। ये कैसे यार, मैं तो सही रीड कर रहा हूँ गाइस, ये फिर गलत कैसे चला गया यार? ये क्या हो रहा है? सबके सब टेंथ में, इसलिए तो टेंथ में नहीं है गाइस, क्योंकि किसी को रास्ता ही नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई मुझे ही नहीं मिल रहा तो दूसरे को कैसे ही मिल रहा होगा। यहाँ पर रुक जाओ गाइस, यहाँ पर यार क्या ही हो रहा है। ये देखो यहाँ से निकला, एक तो सही ओपनिंग कौन सी इसकी, ये वाली है ना। मैं यहाँ पे खड़ो के देखता हूँ गाइस, यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है। और ये है क्या? ये है गाइस, ये है भाई। 20 सेकंड बचे, अभी तक कोई भी क्वालिफाई नहीं किया इसके अलावा। यार मैं ही चल जाता हूँ, एटलीस्ट सेकंड तो आ जाएंगे। देखो यहाँ से घुमा, यहाँ से घुमा, ये बॉल को हटाओ जल्दी से। अच्छा घूम के यहीं जा रहा है यार, मिल गया फाइनली। 10 सेकंड बचे थे और मैं आ चुका हूँ, और बाकी लोग पता नहीं आए हैं कि नहीं। यार ये राइनो वाला राउंड आ गया यार भाई, एक दिन तो मुझे इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी पड़ेगी गाइस। आज हम लोग नई ट्रिक ट्राई करते हैं, नई स्ट्रेटेजी गाइस, कि ये पेटल के पास रहूँगा भाई मैं, तो इससे क्या होगा कि मैं पेटल में पढ़ के तो अंदर आ जाऊँ भाई। आज एक और नई स्ट्रेटेजी पे वर्क करें हम लोग, देखते क्या ये भी काम आती है कि नहीं। और ये देखो, ये भी काम नहीं आई गाइस, कोने में रहना बिल्कुल काम नहीं आया, हम दोनों ही बाहर हो गए। और तो न्यू गेम में आ चुके हम लोग गाइस, और ये है हमारा वर्ली गिग। तो इसमें तो एटलीस्ट मैं अच्छा हूँ गाइस, इसमें तो एटलीस्ट मैं क्वालिफाई कर ही सकता हूँ। तो जल्दी चलते हैं, बस मेरे टीममेट पे कि हम लोग क्वालिफाई करेंगे कि नहीं। मैं तो जल्दी हो जाऊँगा गाइस, इसमें तो मेरी गारंटी है भाई, क्योंकि स्टम्बल गाइस में ही बहुत खेला है अपन ने, इसलिए इसमें तो मैं कर ही लेता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर भाग के ऊपर से डाइव मार के ना, देखो और जल्दी कर लिया मैंने, थर्ड पे आ चुका हूँ सीधे। अब जल्दी से थर्ड पे क्वालिफाई कर लूँगा तो काफ़ी पॉइंट्स मिल जाएंगे गाइस। तो मेरे टीममेट थोड़ा सा भी बेकार करेगा तो शायद हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। ये वाले पंखे से निकलना है, ठीक है, इससे भी निकल चुके हैं गाइस। और बीच वाला पंखा है जो कि तेज़ है, लेकिन मैं शायद निकल जाऊँ, और नहीं निकल पाया। ठीक है कोई बात नहीं, अब नीचे से चलते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, ज़्यादा लेट नहीं करना है गाइस, हमें बाहर नहीं होना है भाई, क्वालिफाई तो करना ही है एटलीस्ट। यार गेट आ रहा है, जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी 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 डाई मार दे, डाई मार दे गाइस। 7 पे हम लोग, यार हम तो बहुत लेट हैं, लगता है क्वालिफाई नहीं किया। ये तो मेरे जस्ट आके भाई क्वालिफाई करेंगे। 25 पॉइंट मेरे, कौन से नंबर पर हम लोग? अच्छा फोर्थ पे हैं भाई, फिर ठीक है, फोर्थ तो ठीक है वैसे काफ़ी। फिफ्थ नीचे गिरते जा रहा है, लेकिन टॉप 30 होंगे क्वालिफाई, तो हम लोग तो आराम से आ ही जाएंगे शायद इसमें। यार ये फिर आ गया भाई, पिछली बार तो बाहर करवा दिया था इसमें से, यार अब फिर क्यों आ गया यार? यार मेरे को नहीं बाहर होना, अब मैं कौन सी स्ट्रैटेजी लगाऊंगा इस, यार आप ही बताओ भाई। अब तो मेरे पास कुछ बची नहीं है, बीच में घूम लूँ क्या? बीच में तो ऐसे बाहर जाऊँगा, लेकिन क्या करूं भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और मैं हर बार बाहर हो रहा हूं इसमें, हर बार गाइस बच ही नहीं पा रहा हूं। अब एक काम करता हूं, अच्छा ये हिल नहीं रहा क्या? अरे बढ़िया यार, ये पेटल हिल नहीं रहा, यहीं खड़े रहता हूं गाइस। ये है नई स्ट्रैटेजी, यहीं एक ही जगह खड़े रहो तो क्या, मैं अगर हम लोग बच गए तो ठीक है, वैसे कोई देख तो है नहीं रहा इस तरफ कोई भी राइनो, तो शायद मैं इस बार कर जाऊँगा इस क्वालिफाई। 30 सेकेंड बचे, ये बगल में जा रहा है और टकराएगा नहीं ना। अरे
अरे यार ये क्या हल्के से टकराने से ही बाहर हो जाता है क्या भाई? यार कोई तो मुझे जितवा दो भाई ये वाला लेवल। लेकिन हमारे स्क्वाड पोजीशन 5th की आ रहा है भाई, मैं और मेरे टीममेट बाहर हो चुके हैं गाइस, और 8 क्वालिफाई करने। तो ऐसा होता है क्या? मतलब हम तो बाहर हो गए दोनों, तो हम लोग फिर से खेल सकते हैं क्या? यार ये तो मुझे मालूम ही नहीं था गाइस। अगर हम लोग बच जाए गाइस जैसे 7th पे, हम लोग शायद हम लोग नहीं हो पाएंगे 7th पे भाई, 10 सेकंड बचे शायद से हो सकते हैं, देखते हैं गाइस। वैसे मैं यार सारे गेम एग्जिट कर देता था, मुझे लगता था कि बाहर हो गए तो बाहर हो गए, फिर खेल नहीं सकते। अगर खेल सकते हैं तो भाई बढ़िया है। फिर 8th पे हम लोग, और 8th पे ही रहे हैं शायद, क्वालिफाई कर लिए गाइस हम लोग। तो देखते हैं यार क्या हम लोग खेल सकते हैं क्या वापस। ओ भाई खेल सकते हैं हम लोग गाइस। तो यहाँ पे हम लोग येल्लो टीम में है, और हम लोग कितने लोग हैं? हम लोग 4 लोग गाइस। तो हमें टेल रखनी है बस अपने पास, किसी को देनी नहीं है। और जिस भी टीम की शायद सबसे कम होगी वो बाहर हो जाएगी, 1 या 2 होंगी, कितनी भी होंगी। मैं यहाँ पे कोने में खड़े हो जाता हूँ ताकि किसी को दिखूँ नहीं। ये दोनों लाल वाले तो आ ही नहीं रहे, ये तो आपस में बात कर रहे हैं कुछ। और यहाँ सामने ये तो मेरी टीम वाला है। तो गाइस हमें टेल रखनी है बस, मैं यहाँ पे खड़े रहता हूँ जब तक कोई आता नहीं है। अरे यार ये सामने से दौड़ के आ रहे हैं यार, मुझे निकलना पड़ेगा गाइस यहाँ से, मैं भागने में बहुत बेकार हूँ यार इस गेम में। बच के निकल जा। नहीं देखा, पहले ही मैंने अपनी टेल दे ही दी ऑलमोस्ट, और दे दी गाइस, अब वापस छीननी पड़ेगी। यार ये लोग कैसे छीन लेते हैं यार, मैं बहुत बेकार हूँ इस गेम में अभी गाइस, भाग ही नहीं पाता हूँ बिल्कुल भी। लेकिन मैं छीन लूँगा शायद, छीन ली। ये देखो वापस ले ली इसने भाई। ये देखो ये कैसे निकल गया यार, मैं तो निकल नहीं पाया था, कूद कूद के निकल गया ये भाई, बहुत तेज़ है। मैं यहाँ से जाता हूँ गाइस, यहाँ से शायद मैं इसको पकड़ लूँ। ये काम करो, इसको छोड़ो भाई, किसी और को पकड़ो। ये ग्रीन वाले को पकड़ सकते हैं क्या? ग्रीन वाले की टेल अगर मैं ले लूँ, वैसे हमारी टीम जीत रही है लेकिन मेरे कारण हार नहीं जाए गाइस, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ गाइस लग के। ये सामने किसी की तो टेल मिल जाए भाई, ग्रीन वाले तू ही दे दे यार। ये भी निकल लिया, लेकिन हम लोग क्वालिफाई कर लिए गाइस, मेरे खराब करने से ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो यहाँ पर जंप क्लब में हमें बचना पड़ेगा गाइस, टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करने वाली है, तो हम दोनों को टिके रहना पड़ेगा। वैसे इसको देख के तो मुझे लग रहा है ये खतरनाक वाला प्रो है, तो शायद ये बच जाए अगर मैं बाहर हो भी जाऊँ तो। लेकिन मैं भी थोड़ा ठीक ठाक खेल ही लेता हूँ ये वाला गेम, देखते कि हम लोग क्वालिफाई कर पाते कि नहीं गाइस। 1 मिनट तक सर्वाइव करना है हमें, और दोनों टिके रहेंगे तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ना फ्रूट्स वाला वेरिएशन है, तो दोनों फ्रूट के मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, मतलब फ्रूट लॉन्चर के, ताकि हमें फ्रूट भी नहीं पड़े। और बाकी टाइमिंग तो हमें मैच करनी ही पड़ेगी गाइस। यार मैं तो बाहर हो गया लेकिन मेरा टीममेट टिका हुआ है, और ये भी बाहर हो गया यार। तो सेकंड पे थे हम लोग, अब देखते हैं गाइस क्या हम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं क्या। वैसे थर्ड पे आ चुके हैं हम लोग, जितनी देर तक ये लोग टिके रहेंगे उतनी देर तक हम लोग के बाहर होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये बंदा शायद वो है जो फर्स्ट पे, लेकिन ये बंदा शायद उस टीम में जो फर्स्ट पे है, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हम लोग बाहर नहीं होने वाले अब। तो हेक्सा टेरेस्ट्रियल आ चुका है गाइस, इसमें हम दोनों को टिके रहना है लास्ट तक। अगर हम दोनों टिक गए या फिर कोई एक भी टिक गया हम दोनों में से, तो हम लोग जीत जाएंगे गाइस। तो भाई ये तो अच्छा खेलने वाला होगा, ये शायद हमको जिता दे। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा टिकने की और बाकियों को बाहर कराने की। तो अभी तो मैं बीच बीच में घूमता हूँ गाइस, देखते हैं हम लोग, बिल्कुल भी नीचे गिरना नहीं है मैं, ठीक है। और मेरा बंदा भी अच्छा खासा खेल ही रहा होगा, कहाँ पर है? लेकिन अभी ये तो नीचे गिर गया यार, यार मुझे लग रहा था यार ये मुझे जिता देगा, ये तो खुद नीचे गिर गया, अब मुझे इसको जिताना पड़ेगा। लेकिन मैं लग नहीं रहा जीत पाऊंगा, देखते हैं गाइस क्या हम लोग जीत पाते हैं, क्या हम लोग क्लच कर पाते हैं, देखना पड़ेगा। अभी के लिए तो इजी खेल रहा हूँ मैं, एक ही बंदा बाहर हुआ और वो मेरी टीम वाला है, देखते हैं। अच्छा ये स्पेक्टेट कर रहा है मुझे, देखते हैं गाइस क्या हम लोग कर पाते हैं गाइस क्लच। वैसे अभी तक के लिए तो मैं ठीक खेल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन सामने से बहुत सारी भीड़ हो रही है, 2 लोग बाहर हो चुके हैं। जल्दी जल्दी बाहर हो भाई, ये तो इसमें कोई बाहर होता ही नहीं है, ये पता नहीं कैसे बाहर होके बैठ गया है भाई। 3 लोग बाहर हो चुके हैं, बीच में तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, तब भी मैं बीच में घूम रहा गाइस, क्योंकि बीच में ना ऑप्शंस ज़्यादा है, कोने में ऑप्शंस रहेंगे नहीं अगर मैं फंस गया तो। और यहाँ पे से हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। ये देखो अभी काफ़ी टाइल्स बची गाइस मेरे लिए, ये बीच की तो पूरी मेरी है। ये लोग कोने में लड़ रहे हैं ना, तो इनको लड़ने दो गाइस। ये दीवार को क्या हो रहा है यार, दीवार कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रही। 5 लोग बाहर हो चुके हैं गाइस, ये दीवार भाई, ये दीवार पास आ रही है। ओ ये तो मुझे मालूम नहीं था, ये भी होता है क्या इस गेम में भाई, ये पहले बताना था मुझे। अच्छा दीवार पास आ रही है, तो इसका मतलब मुझे बीच में रहना चाहिए गाइस, तो इसका काट देता हूँ भाई। नहीं यार नहीं कटेगा गाइस, हमें बीच में रहना गाइस, क्योंकि बीच में जो रहेगा वही जीत जाएगा, तो इसलिए मैं बीच में रहता हूँ गाइस। येलो वाला बीच में था मुझे याद है, और ये ब्लू वाला, अरे यार ये तो काट के निकल गया। अरे यार ये टाइल, ये वापस आएंगी कि नहीं भाई, जल्दी आओ यार, कब आएगी? ये आ ही नहीं गाइस, और यार बाहर हो गए हम लोग। लेकिन अच्छा खासा लेके आ चुका था गाइस मैं फाइनल तक मेरे दोस्त को। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी फॉल गाइस की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरे पिछले फॉल गाइस का गेम प्ले देखना हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देख लो दबा के।